अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेसबुक की मोनेटाइजेशन के बारे में, क्योंकि बहुत से दोस्तों का सवाल है कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, या फिर किन चीज़ों पर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाके फ्रेंड्स बताऊंगा कि आप किन चीज़ों में फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हो और किन चीज़ों में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और बाकी सारी बातें वहीं पे होती है। तो चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फेसबुक पेज पे आना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे मेरे पास ओपन हो गया। तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये बहुत सी नीचे ऑप्शंस मिलेंगी। देखिए ये मेरा सारा पेज हो रहा है, तो मैं इस पर बहुत कम काम करता हूँ। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन की ऑप्शन है, आपको इस पर ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी स्टार्स की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इसकी ऑप्शन है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखें, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब आप इसको सिंपल गेट स्टार्टेड करेंगे और अपना जो इन्फॉर्मेशन है अपना अकाउंट ऐड कर देंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, वो इसलिए कि स्टार परचेज करके कोई अगर आपको स्टार देगा तो फिर आपको उन स्टार्स की वजह से इनकम होगी। तो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम स्टार्स मिलते हैं। अगर आप बहुत मतलब आपका पेज इन है और आपको लोग पसंद करते हैं तो फिर ये मुमकिन है, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल है। तो चलिए, जो अब हमारी मेन चीज़ है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो देखें यहाँ पे ये मेरी इनकम वगैरह शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्ट्रीम एड्स जो हैं ये मेन चीज़ है, इस पर मैं क्लिक करके आ गया हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही आप इसको स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर देखेंगे सारा इसका क्राइटेरिया है, आप कि जो वीडियोस हैं वो उन पे 60,000 मिनट्स जो हैं वो वॉच टाइम होना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है आप महीने में जो है कम से कम 5 वीडियोस जो हैं वो अपलोड करो। और ये जो 60,000 मिनट्स वॉच टाइम है, इसका जो टाइम है वो 60 दिन है लास्ट, ठीक है। 2 मंथ में आपने कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबल सेंटर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास आपको ये पता चलेगा कि ये पाकिस्तान में एलिजिबल है भी कि नहीं, ठीक है। मेहनत करने से पहले आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट पे आ गया हूँ ऑफिशियल पे। देखें यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे से स्क्रोल करता जाऊँगा तो यहाँ पर कंट्रीज़ मिलेंगी जहाँ पर ये एलिजिबल है। तो यहाँ पर ये देखें ये मिल गई। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में ये एलिजिबल है। तो देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सारी की सारी कंट्रीज़ खुल गई। तो ये देखें यहाँ पे इंडिया, सऊदी अरेबिया, इसराइल, ईरान, बहुत सी कंट्रीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन हमें जो पाकिस्तान है ना वो उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखें ये पाकिस्तान मौजूद नहीं है यहाँ पे, बाकी सारी की सारी कंट्रीज़ इंडिया भी देखें मौजूद है। तो ये पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है फ़िलहाल के तौर पर, ठीक है। अगर आप इस पर मेहनत करना शुरू करने वाले हो या मेहनत कर रहे हो तो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लेना है कि ये पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।